एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अब हम सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो हम देखते हैं इक्वालिटी के एक साइड पे अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वो चीज़ माइनस हो जाती है। अगर प्लस हो रही है तो माइनस होगी, माइनस हो रही है तो प्लस होगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा, अगर इक्वल के एक साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे वो चीज़ जाके डिवाइड हो जाएगी। अगर इक्वल की एक साइड पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा एक और रूल जो हमने जहन में रखना है, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे तो हम देखते थे आंसर में बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आंसर के साथ वो साइन जाता है जो मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो। जैसे हमने पढ़ा प्लस प्लस प्लस, तो आंसर में प्लस 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 का साइन आएगा। अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तब भी प्लस का साइन आएगा। प्लस माइनस माइनस तो माइनस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस तब भी माइनस का साइन आएगा। तो आपने जहन में रखना है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूल क्या होगा कि जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा हम वो साइन प्लेस करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो हम वो साइन आंसर में रखेंगे जो हमारे पास दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। फिल इन द बॉक्सेस, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट किए थे एक्स लगाकर, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। पहला सवाल देखें, प्लस सिक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री, आपने अननोन यानी वो ब्रैकेट जो ब्लॉक जो दिया हुआ है उसकी जगह मैंने यहाँ एक्स लिख लिया रफ में। ये सारा काम आप कहाँ करेंगे, रफ वर्क पे, क्योंकि ये सारा काम आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर आएगा। अगर एमसीक्यूज़ में इस तरह का कोई सवाल आ जाता है तो फिर आप उसको रफ साइड पे पहले जाके सॉल्व करेंगे, फिर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। अननोन की जगह मैंने x लिख दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस माइनस माइनस तो आंसर के साथ आएगा माइनस, और दोनों इंटीजर्स सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 3 18, उसमें उसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई ब्लॉक इट्स इक्वल टू 81, मैंने सेम एज इट इज़ लिखा लेकिन जो खाली जगह थी वहाँ पर मैंने x लगा दिया। अब 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा कि आपने इनके दरमियान में जो साइन आ रहा है उसको देखना है, यानी कि अगर माइनस 9 है तो आपने ये नहीं देखना कि 9 यहाँ माइनस हो रहा है, आपने ये देखना है कि माइनस 9 की जो पूरी ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई हो रही है एक्स के साथ। तो आप पूरी माइनस 9 की जो ब्रैकेट है उसको उस तरफ लेके जाके 81 के साथ डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो डायरेक्ट उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस 9 नीचे डिवीजन में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको 81 डिवाइडेड बाय माइनस 9 भी लिख सकते हैं इस तरह से, और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखने में थोड़ा सा ये होता है कि हम कटिंग चाहें तो कटिंग कर सकते हैं। 9 1 9 9 9 81, आंसर आ गया 9। अब साइन की बारी है, इसके साथ कोई साइन नहीं है। मैथ में जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ हम प्लस का साइन कंसीडर करते हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो इस इट मींस यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और 9 इसका आंसर था, माइनस 9 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ हमारे पास आंसर आ गया माइनस 18, यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3 में मिसिंग नंबर है पहले तो वहाँ x लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय प्लस 11 इट्स इक्वल टू 121, हमने क्या किया 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, x एज इट इज़ आ जाएगा, 11 1 11 11 11 121 आ जाएगा। आपके पास आंसर तो आ गया 11, लेकिन साइन ना इसके साथ कोई साइन है ना इसके साथ कोई साइन है, तो दोनों के साथ कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, प्लस का, प्लस प्लस प्लस, तो 11 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस। आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस 11। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में 4 है उसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ उसने दो साइन दे दिए हैं, तो हम सिर्फ दो साइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई वैल्यू गिवन होती तो हम उसे भी मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि अब कोई वैल्यू नहीं दी हुई सिर्फ साइन है, तो आप सिंपली साइन को मल्टीप्लाई करें। हमने रूल पढ़ लिया था पहले ही कि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, प्लस। इसी तरह से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, आपने साइन को फोकस करते हुए इसको फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है कुछ वैल्यूज़ को,
अगर आपके पास एक साथ चार वैल्यूज आ जाएं, जैसे कि पहले सवाल में आपको नजर आ रही हैं और सिर्फ राउंड ब्रैकेट है, तो चार वैल्यूज को एक साथ राउंड ब्रैकेट में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट होती तो हमें पता चल जाता कि स्क्वायर ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा, फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने डायरेक्ट मुझे चारों राउंड ब्रैकेट दे दी, तो हम खुद से पेयरिंग कर लेंगे। आप दो दो का पेयर बना लें, मैंने फर्स्ट टू और फिर लास्ट टू का पेयर बनाया, अब पहले इस पेयर को सॉल्व कर लें, फिर इस पेयर को सॉल्व कर लें और नीचे लिख दें, वही रूल रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस तो यहाँ आ जाएगा प्लस, वन वन ज़ार वन तो यहाँ आ जाएगा वन, माइनस माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा प्लस, वन वन ज़ार वन तो यहाँ पे भी वन। अब दो वैल्यूज़ रह गई, दो को मल्टीप्लाई करना भी हमें आता है, हम सिंपली इसको दो वैल्यूज़ को जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना सीखा है वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस, वन वन ज़ार वन, प्लस वन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आएँ, यहाँ तो सिर्फ वन था तो आंसर डेफिनेटली वन आना था, वन को थाउजेंड टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तब भी वन ही आता है, वन से मल्टीप्लाई करें तो। इसी तरह से अगले सवाल में देखें, वैल्यूज़ तो चार हैं लेकिन वो डिफरेंट हैं, इसमें भी वही मेथड अप्लाई होगा, सिर्फ बताने का मकसद ये कि आपने मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको लिखना है। प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का और मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन ज़ार टू, यहाँ पर आ जाएगा टू, प्लस 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 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर, तो माइनस ट्वेंटी फोर इसका आंसर होगा। अगले सवाल में उसने तीन वैल्यूज़ दे दी और हमें ब्रैकेट के साथ इंडिकेट कर दिया कि आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है जो आप पहले करते रहे हैं, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 कैरी, 3 वन ज़ार 3 और 5, 54 आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस था तो साइन आएगा माइनस का, इसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू गिवन है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2, 54 को 2 से सेम मेथड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 और साइन कौन सा आएगा, माइनस प्लस, अब 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे 2 के साथ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 108 इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस तो साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, बाहर वाला मल्टीप्लाइड बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1500 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, आप प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके आंसर में प्लस का साइन आता है और आप प्लेस नहीं करते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप प्लेस कर देते हो तब भी कोई इशू नहीं है उसकी डिडक्शन, लेकिन अगर माइनस का साइन आए और आप उसे प्लेस नहीं करोगे तो फिर आपके मार्क्स की रिडक्शन लाजमी होगी, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो साइन आ रहा होगा वो पुट कर देना है।